अब मैं पहले की तरह धार्मिक वीडियोस क्यों नहीं बनाता, क्यों सिर्फ भूत प्रेत की वीडियोस बनाता रहता हूं? क्या मुझ पर किसी शैतान का साया आ गया है जो मैं अब भगवान से बहुत ज्यादा दूर हो गया हूं और भगवान की वीडियो बनाना ही नहीं चाहता ताकि वो शैतान को नुकसान ना हो? दोस्तों, ऐसी कई कमेंट्स जो मेरी कई वीडियोस पर आती हैं और आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अब मैं धार्मिक वीडियोस क्यों नहीं बनाता, और इसीलिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं क्यों मैं हॉरर कंटेंट बना रहा हूं या और कंटेंट बना रहा हूं लेकिन धार्मिक वीडियोस यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता। और मैं इसे आपको बड़ी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी समझ पाएं क्या सच में मुझ पर किसी शैतान का साया आ गया है। मैं लगभग 7 साल पहले से YouTube पर काम कर रहा हूँ। ये चैनल 7 साल पुराना हो चुका है और मैंने शुरुआत ही की थी धार्मिक वीडियोस बनाने से। पुनीसवे चैनल पर मैं इतनी ज़्यादा धार्मिक वीडियोस बनाया करता था, ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर किया करता था जो पहले YouTube पर बिल्कुल वीडियोस नहीं बना करती थी। मैं नए नए टॉपिक्स अपने धर्म ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाया करता था और आसान भाषा में एक्सप्लेन किया करता था। और अब मैं धार्मिक वीडियोस नहीं बनाता, और इसका सबसे जो पहला कारण है वो ये है कि पहले वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आया करते थे। लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा धार्मिक थे, रिलीजियस वीडियोस देखना उन्हें पसंद था, जो नॉलेज उनके पास नहीं थी वो लेने के लिए यूट्यूब पर आते थे और मेरी वीडियोस को देखते थे और काफ़ी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनका रुझान धर्म से दूर होने लगा, जैसे वो धार्मिक ज्ञान लेना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए वीडियो व्यूज़ कम होने लगे। और जब वीडियो व्यूज़ कम होने लगते हैं तो एज ए क्रिएटर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है और काफ़ी समय भी लगता है। वीडियो एडिटर, साउंड मिक्सिंग, बहुत काम करने पड़ते हैं, और अगर व्यूज़ काफ़ी कम आए तो बजट से बाहर निकल कर वीडियोज़ बनाई नहीं जा सकती। और व्यूज़ कम होने लगे थे तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। और दूसरा कारण था अश्लील कंटेंट, यानी कई ऐसे चैनल्स थे जो अश्लील कंटेंट बना रहे थे धर्म के नाम पर, और इसीलिए उन पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे। अब धार्मिक वीडियोस देखने वाले लोग ऐसे नए टॉपिक्स चाहते थे जो पहले मौजूद ना हो, तो ऐसे अश्लील धार्मिक कंटेंट कई चैनल बनाने लगे थे जिन पर मिलियंस, 10-10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज़ आने लगे थे। और जो अच्छे क्रिएटर्स थे जो वीडियो बनाया करते थे उनके व्यूज़ कम होने लगे। और मैं भी अश्लील कंटेंट कभी बनाना नहीं चाहता था। मैंने कभी अपने चैनल पर ऐसा अश्लील कंटेंट, और वो भी भगवान के नाम पर, किसी भगवान की वीडियो में ऐसा अश्लील कंटेंट बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए मेरे व्यूज़ कम होते रहे, मैं ऐसे कंपटीशन में फंसना नहीं चाहता था। भाई, व्यू आए ना आए, धर्म के नाम पर अश्लीलता नहीं फैला सकता था, तो इसीलिए मैं उस कॉम्पिटिशन में फंसा नहीं और मेरे व्यूज़ कम ही रहे। और तीसरा पॉइंट था कि मैं अपनी वीडियो में कोई ज़्यादा मसाला नहीं लगा रहा था। जैसे कई कंटेंट क्रिएटर थे जो अश्लीलता तो चलो नहीं फैला रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मसालेदार वीडियो बनाने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठा रहे थे जो कि धर्म ग्रंथों में मौजूद ही नहीं है, कथाओं के ऐसे मोड़ जो मौजूद ही नहीं है भाई, वो भी डाले जा रहे थे। और लोगों को लग रहा था ये कुछ नया है, जिन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े थे उन्हें लगता था ये नए टॉपिक आ गए, कि और पुनीत भाई के पास तो वो पुराने टॉपिक हैं, क्योंकि मैं वही टॉपिक पर वीडियो बनाता था जो कि मौजूद हो, धर्म ग्रंथों में मौजूद हो, उनके कुछ फैक्ट्स हों, मैं वो बताता था, उसमें रहस्य को ढूंढने की कोशिश करता था और अपने व्यूज़ बताता था, लेकिन मैं मसाला नहीं बताता था। इसीलिए ज़्यादातर जो धार्मिक वीडियोज़ देखते थे वो मसाला ढूंढने लगे और व्यूज़ कम हो रहे थे, और ये भी एक कारण बन गया। और एक कारण था कि मेरी कभी पहचान बन नहीं पाई। अब भी आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि पहले जैसी धार्मिक वीडियोस बनाओ, आप फेस दिखाती हो। भाई, मैं 7 सालों से ये चैनल चला रहा हूँ, पहले फैक्ट्स की वीडियोस, धर्म की वीडियोस बनाता था और उसमें मेरी पहचान कभी बन नहीं पाई। जब व्यूज़ कम हुए तो कोई पहचानता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, आखिर पुनीसवे चैनल के पीछे कौन काम कर रहा है। और जब मैंने फेस की वीडियो बनाई तो कोई पहचान भी नहीं रहा था और मेरी पहचान बनी ही नहीं। एज ए क्रिएटर मैंने इतना कंटेंट बनाया, धर्म का इतना ज्ञान दिया, कुछ टॉपिक्स थे जो धर्म के किसी चैनल पर नहीं थे वो मैंने बनाए, लेकिन क्या आपको याद है मैंने कौन कौन से टॉपिक बनाए थे, कैसी वीडियोस थी जो आपको अच्छी लगा करती थी, जो कई बार ट्रेंडिंग पर भी लगी थी, लेकिन उन वीडियोस के लिए मुझे कोई नहीं जानता और मुझे सपोर्ट नहीं मिली कि मैं वो कंटेंट से अलग कुछ कंटेंट बना पाता, धर्म के नाम पर कुछ और कर पाता जिसके लिए बजट चाहिए था और व्यूज़ कम थे।
तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। फेस की वीडियो में भी मुझे कोई पहचान नहीं रहा था भाई। अब आप बताओ, 7 सालों से मैं एज ए क्रिएटर यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा मैं 1-2 सालों से ये हॉरर वीडियोज़ बना रहा हूँ। धार्मिक वीडियोज़ के लिए कभी पहचान बन ही नहीं पाई, मुझे सपोर्ट मिली ही नहीं एज ए सनातनी। हिंदू धर्म के लिए अगर मैंने ये छोटा सा काम भी किया, आपको नॉलेज भी दी, लेकिन मेरी पहचान नहीं बन पाई, मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाई। और शायद इस वीडियो पर भी व्यूज़ बहुत कम आएंगे जो आपको ये बता देंगे कि एज ए सनातनी आपको सपोर्ट नहीं मिलती, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। और ये चीज़ शायद मुझे अब पता लगी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना नुकसान भी झेलने के बाद, जब व्यूज़ कम थे, मैं फिर भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी खर्च कर रहा था, तो व्यूज़ कम थे, तो मुझे अब पीछे हटना पड़ा। सपोर्ट मिली ही नहीं तो मैं क्या करता। और दोस्तों, आखिर में मैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए। अगर आप हिंदू हैं, आपने कभी मेरी वीडियो देखी हो, कुछ सीखा हो, या आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो, भले ही आपने उस वीडियो को लाइक किया हो या ना किया हो, इस वीडियो को लाइक करो। मैं देखना चाहता हूँ यार, YouTube पर कितने हिंदू हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करो, नीचे एक कमेंट करो। अगर आप एक हिंदू हैं या आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, बस सपोर्ट के लिए एक कमेंट कर दो कि रिलीजियस वीडियोज़ बनाने वाले क्रिएटर को सपोर्ट मिल रही है या नहीं। मैं जानता हूँ इस वीडियो पर व्यूज़ भी कम आएंगे और लाइक्स भी कम आएंगे, लेकिन फिर भी बस एक छोटी सी मांग है मेरी कि आप अपनी एक सपोर्ट अगर दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाइए। और अंत में, मुझ पर कोई शैतान का साया नहीं है। मैं पहले भी सनातनी था, हिंदू था, अब भी हिंदू हूँ और भगवान को हमेशा मानता रहूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो उससे रिलेटेड ही वीडियोज़ भी बनाएं। तो मैं बस आपके सपोर्ट के साथ अब कुछ नए कॉन्टेंट को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हॉरर। इसी के साथ मैं वीलॉग्स बनाने की भी कोशिश करूंगा और भी कई तरह की वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको एंटरटेन कर पाऊं, क्योंकि इसी से मैं चैनल को ग्रो कर पाऊंगा, आपको एंटरटेन कर पाऊंगा और आपको नॉलेज दे पाऊंगा, जिससे कि मैं ये वीडियोस का खर्च निकाल पाऊं और आगे ग्रो कर पाऊं। आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो भाई शेयर भी करो। अपनी बस सपोर्ट दिखा दो ऐसे हिंदू एक आखिरी बार। और मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर स्टोरीज लाता रहूँगा, कुछ नए टॉपिक्स जो मैंने ढूंढे हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा और आपको एंटरटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शायद ये इस चैनल की धार्मिक वीडियोज़ की जर्नी का अंत है। तो सबको हर हर महादेव।